पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिपला पेट्रोलिंग चेक पोस्ट हाफिजवाला की तरफ से डेंगू, धुंध और स्मोक की आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल हाफिजवाला में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे इंचार्ज चेक पोस्ट मुमताज खान ने खिताब करते हुए कहा, ज्यादा वक्त घरों में गुजारें, बाजारों, सड़कों और गलियों में चलने फिरने से परहेज करें, नाक और मुँह को ढांप कर रखें, बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिएं, अपनी गाड़ियों का मुआयना करवाएं ताकि धुएं की वजह से माहौलियाती आलूदगी कम से कम हो सके, सफर करने से आप करें, घरों से निकलते वक्त चश्मे का इस्तेमाल जरूर करें, इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें ताकि डेंगू जैसी मौजी मर्ज से बचा जा सके। जंग सूबाई वजीर स्पोर्ट्स और सियाहत तैमूर हयात खान भट्टी ने अपने हलके में आवाम के मसाइल सुने। इस मौका पर इन्होंने इलाका मकीनों की तरफ से पेश की जाने वाली दरख्वास्तों और समात और इन पर फौरी अजाले के लिए अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर खेल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए कोशा है। हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद और अदारों की बेहतरी के लिए मिसाली इकदाम कर रही है। सोहबतपुर जानी डिप और हमीदाबाद के दरमियान का रोड टूट फूट का शिकार, जिसके बायस आवाम को गुजरने में दुश्वारी और गाड़ियां मिनटों का सफर घंटों में तय करती हैं। आवाम की बलोचिस्तान की हुकूमत से अपील है कि इस रोड की मुरम्मत का काम जल्द से जल्द किया जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर MI-17 2015 में इमदादी सामान तरसील करते हुए क्रैश हो चुका था। इसे बगैर मरम्मत किए पोलो ग्राउंड खोद के किनारे छोड़ दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रहमत अली से। जी सामीन, ये वो बदकिस्मत तैयारा है जो अगस्त 2015 फ्लड के दौरान ये इमदादी सामान की तरसील के दौरान ये इसका क्रैश हो चुका था। यह अब हमारे आवाम यानी खुद के आवाम के लिए दर्द सर का बाइस बना हुआ है। यहाँ ये कैमरामैन आपको बताएगा, ये कुर्ब जवाब में स्कूल वाक़ है, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल। जब तक तफरीक के वक्त ये बच्चे जो हैं ये यहाँ पहुँचते हैं और इसके बाद ये जहाज के ऊपर चढ़ते हैं, बाद अवकात ये गिर भी जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं। हमारा गुजारिश है कि पाकिस्तान एयरफोर्स से इसको मरम्मत करने के बाद यहाँ छोड़ दे या इसको फौरी तौर पर यहाँ से हटा ले। न्यूज़ रूम से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।